हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग डीट। तो अगर हम करंट अफेयर डेली देख ही रहे हैं तो करंट अफेयर में एक टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आता है आपका अवार्ड। जितने भी रिसेंटली अवार्ड दिए गए रहते हैं या उनका नामित किया जाता है कि किसे दिए देना है कौन सा अवार्ड, इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आता है। अभी आप जीके में भी एग्जाम डोज पे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जीके पोर्शन है, हम करंट अफेयर देख रहे हैं यानी कि वर्तमान समय में दिए गए जो अवार्ड्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको पता है कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसकी घोषणा की जा चुकी है क्योंकि, तो इसको हम देख लेते हैं फटाफट से कि इस साल जो है किसको किसको कौन सा अवार्ड किस लैंग्वेज के लिए और किस कृति के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो फिलहाल तो पहले ये देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है। तो ये बेसिकली ये भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। प्रतिवर्ष भारत को अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। तो आपको पता है मान्यता प्रदत्त भाषाएं कितनी हैं प्रमुख? 22 भाषाएं हैं, प्लस इसमें इंग्लिश को इंक्लूड कर लिया जाता है, तो कुल मिला के 23 पुरस्कार जो है वो बांटे जाते हैं हर साल। अभी हम बात करते हैं तो ये सबसे पहली बार जब ये 1955 में दिए गए थे ये पुरस्कार, और इस पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि जो दी जाती थी वो सिर्फ 5,000 रुपये थी। हालांकि वो बहुत पहले का ज़माना भी था, समय समय पर इसकी राशि जो है वो बढ़ती गई है। घोषणा की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी ने 18 दिसंबर 2019 को इन नामों की घोषणा की है कि किसे कौन सी कृति के लिए अवार्ड दिया जाना है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनके अनुसार इन सभी विजेताओं को 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में ताम्रपत्र और 1,00,000 रुपए के नगद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। अब ये तो ठीक है, इसके बारे में बता दिया, कब आयोजित होगा ये सब कुछ बता दिया। अब फैक्ट पे आते हैं कि किसे किसे ये पुरस्कार मिल रहा है, कौन कौन से चर्चित नाम हैं जो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो दो नाम तो पहले आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, एक इंग्लिश और एक हिंदी में किसको मिला है। तो अंग्रेजी में शशि थरूर को मिला है जो कि कांग्रेस नेता है, एन इरा ऑफ डार्कनेस उनकी पुस्तक का नाम है, अंग्रेजी में है ये, इसके लिए उन्हें अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है शशि थरूर को, याद रखना है। साथ ही साथ हिंदी, क्योंकि हिंदी का अक्सर पूछा जाता है, तो नंद किशोर आचार्य जी को छीलते हुए अपने को, ये इनकी कृति का नाम है और इसके लिए इन्हें पुरस्कार साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं बाकी के लैंग्वेज पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जयश्री गोस्वामी महंत, इनको चाणक्य उनकी कृति का नाम है, असमिया भाषा में ये लिखी गई है, इसके लिए मिल रहा है। एल बिरमंगल सिंह, इनकी अगर बात करते हैं तो मणिपुरी भाषा में लिखी हुई इनकी जो कृति है ई अमादी अदुन गीगी ईठत, तो काफ़ी कठिन सा नाम है लेकिन ठीक है, एक नज़र आपकी पड़ी होनी चाहिए हर चीज़ पे। मेन ऊपर का आपको दो याद रखना है, अभी नीचे आएगा कुछ जहाँ जहाँ रहेगा इंपॉर्टेंट याद करने के लिए, वो मैं बताती चलूँगी, उसे रटते जाइएगा। ओके, यहाँ पे जो धर्मन सूल इनकी कृति का नाम है तमिल भाषा में है, इसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बंदी नारायणा स्वामी जी को सेप्ता भूमि के लिए जो कि तेलुगु में है, इसके लिए मिला हुआ है। बोडो भाषा में भी लिखी गई एक कृति आखाई आथुम निफ्राय, ये कृति का नाम है, बोडो भाषा में है और इनके रचनाकार हैं फुकन चंद्र बसुम तारी, इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कोकड़ी में लिखा हुआ धवर डस, इसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके लिए इनकी रचनाकार निलबा आ खांडेकार जी को। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी मैथिली भाषा, ये आप याद करिए, मैथिली वाला याद रखना है ठीक है, क्योंकि मैथिली में जो है वो पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस हैं। तो कुमार मनीष अरविंद जी को मिला हुआ है जिनगीक ओरिया ओन करैत, कृति का नाम है ये ठीक है, मैथिली भाषा में है, इसके लिए मिला है, इसको याद कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश मैथिली ये याद करिए। आगे फिर बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं पूछे जाएंगे, देखिए कोई भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में ठीक है। बेसिकली सुपर टेट के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो सुपर टेट में जिस लेवल से पूछा जाता है, जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसके आधार पर हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी डिफाइंड हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं बाकी भाषा का नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं हम बस उसको बता रहे हैं कि ये ज़्यादा चांसेस हैं इसको पूछने के। ओके, मलयालम में है अचन पिरन्ना वीदु, कृति का नाम है और रचनाकार का नाम है वी मधुसूदनन नायर,
याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मराठी भाषा में। मराठी भाषा में कदाचित अजूनही, ये कृति का नाम है, अनुराधा पाटिल जी ने इसकी रचना की है, तो इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मराठी का। फिर मिला है पेन्ना मधुसूदनः को संस्कृत भाषा के लिए, ये याद करिएगा, ठीक है, संस्कृत वाला। तो इनको मिला है प्रज्ञा चाक्षुषम, इनकी रचना का नाम है, तो प्रज्ञा चाक्षुषम संस्कृत भाषा में रचित है और संस्कृत भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, इसे याद करिएगा, संस्कृत वाला। फिर आ जाता है आपका अब्दुल अहद हाजनी जी को मिला है अख याद अख कयामत के लिए। ये सब 24 फरवरी को सम्मानित किया जाएगा, नामों की घोषणा लेकिन हो चुकी है कि कब किसको किसको मिलेगा। कश्मीरी भाषा में है ये रचना। अब आ जाते हैं तरुण कांति मिश्र। तरुण कांति मिश्र जी को भाष्वती, उनकी रचना भाष्वती के लिए जो कि उड़िया में है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर बात करते हैं आप पंजाब पीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये देख लीजिएगा, पंजाबी में लिखी गई अंतहीन, जिसके रचनाकार है किरपाल कजाक जी, उनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजस्थानी में लिखी गई बारीक बात, इसके लिए रामस्वरूप किसान जी को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर आप राजस्थान से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राजस्थानी वाला ज़रूर याद कर लीजिएगा। कालीचरण हेम्ब्रम जी को मिला है सिसिर जली, इनकी रचना है सिसिर जली जो संथाली भाषा में है, और इसके लिए इन्हें मिला है कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ईश्वर मूर जाड़ी इनका नाम है, जीजल इनकी कृति का नाम है, थोड़ा कठिन है पर नज़र के सामने से हर चीज़ गुजरी होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में क्या होता है ऑप्शन आते हैं और वो चीज़ हमने पहले कभी देखी हो तो अपने आप माइंड में स्टक कर जाता है कि ये तो हमने देखा था, ठीक है, नहीं भी याद रहे एग्जैक्टली तो सामने आने के बाद देखे रहते हैं तो वो चीज़ आ जाती है, इसलिए नज़र के सामने हर चीज़ गुजरी होनी चाहिए। सिंधी भाषा में है ये। खैर आ जाते हैं बांग्ला में, तो बांग्ला भाषा में एक रचना है घुमेर दर्जा थेले, जिसके लिए चिन्मय गुहा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। डोगरी आपको याद करना है ये वाला। डोगरी भाषा में बंदरा लता दर्पण, ये रचना का नाम है, रचना की है ओम शर्मा जंद्रयाड़ी जी ने। गुजराती भाषा में रचना हुई है मोजमा रे मुरे, जिसके रचयिता है रतिलाल बोरी सागर जी, और इनको मिलता है साहित्य अकादमी 2019 का गुजराती के लिए पुरस्कार। विजया जी ने रचना की है कुड़ी ए सारू की, तो रचना का नाम है कुड़ी ए सारू। नाम थोड़े अजीब लगेंगे क्योंकि भाई भाषा ही अलग है उनकी, तो उस भाषा में पर्टिकुलर किसी चीज़ को जो कहते होंगे वही नाम रहेगा, टाइटल भी उसी भाषा में रहेगा। कन्नड़ में ये रचना है। उर्दू का याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। उर्दू में रचना है सवनेह सर सैयद एक बाज दीद, इसका टाइटल है, तो ये रचना का नाम है सफ़ी किदवई जी को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया, पूरे 23 पुरस्कार हमने गिने, अब यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आपके दो तीन तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो नाम पूछ लेगा कि बताइए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसको प्रदान किया गया है, तो आपको नाम बताना होगा। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ नाम से बनते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि नाम दे देगा और पूछेगा इनको किस भाषा के लिए मिला है, ऐसा नहीं आता, नाम देकर भाषा नहीं पूछता है, अभी तक तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रेयर ही मिले हैं। रचना ज़रूर पूछी जाती है कि बताइए नंद किशोर आचार्य जी को साहित्य अकादमी 2019 पुरस्कार कौन सी कृति के लिए प्राप्त हुई है, तो एक ये दूसरा टाइप क्वेश्चन ये बनता है आपका, तो उसमें कृति का नाम बताना होता है। या फिर दे दिया जाता है इनमें से कोई कृति, जैसे यही दे दिया जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस, और इसकी रचना रचयिता कौन है, रचनाकार है कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसकी रचना किसने की है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर करंट अफेयर में बनेगा तो ऐसे बनेगा कि एन एरा ऑफ डार्कनेस जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया, इसके रचयिता कौन है। और अगर यही क्वेश्चन जीके में आएगा तब वहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का जिक्र ना करके सिर्फ रचना का नाम पूछ लेगा और उसके रचयिता पूछ लेगा। तो क्वेश्चन बनने का ये दो तीन तरीका होता है, तो आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी होती है कि आप हर तरह से प्रिपेयर रहें, ठीक है।
सो आई जस्ट होप कि आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और पसंद भी आया होगा. पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. और यस, हमारा एक और चैनल है एग्ज़ाम डोज़, तो वहाँ पे भी क्लासेस चल रही हैं. जीके की क्लास तो वहीं पे चल रही है. जो लोग न्यू हैं, नहीं जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाइए, चेक करिए. और अगर आपको पसंद आती हैं क्लासेस तो प्लीज़ वहाँ भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे न्यू चैनल है बिल्कुल भी अभी. तो प्लीज़ आपका सपोर्ट, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.